हेलो एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने किया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सो जल्दी जल्दी बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। कि यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको लेते हुए हम चलेंगे। शो दैट करके दिखाओ द क्यूब, कि किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 फॉर्म में आएगा। सो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे। मैथ्स में एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें कुछ भी मान लो, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कि एन कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला है, तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो इसमें हमने एन को पॉजिटिव इंटीजर, तो हम एन की वैल्यू मानेंगे 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ठीक है। अब हमने कोई भी वैल्यूज मान ली, जिसमें हमने बोला कि क्यू कोई भी एक इंटीजर है, हमने यहां लिख दिया कि क्यू कोई भी एक इंटीजर है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटीजर, क्योंकि क्यू हमने कोई भी एक इंटीजर मान दिया, लेट कर दिया। अब सबसे पहले हमने एन की वैल्यू क्या ली है, 3q, तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। सो एन इज इक्वल टू 3q, अब हम इसका क्यूब करेंगे, बोथ साइड हमें क्यूब करना पड़ेगा। इक्वल टू कभी भी होता है, तो अगर हम राइट हैंड साइड कुछ भी करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम वही करेंगे, ठीक है। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होएगा, 27 क्यू क्यू। अब 27 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने इसमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 3q क्यूब। अब इस क्या हम इसको, अच्छा इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 9m फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर इसमें को मैं 9 कॉमन लिया, तो 9 के टेबल में 27 3 पे आता है, तो अंदर क्या बचा, 3q क्यूब। अब हम 3q क्यूब को क्या मान लेंगे, m, तो ये आ गया 9m फॉर्म में। ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमने 3q क्यूब को क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये 9m फॉर्म में आ गया। कि अगर हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो उसका आंसर 9m फॉर्म में आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा 3q प्लस 1, अब हम इसका क्यूब करेंगे, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगर हम राइट हैंड साइड क्यूब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब a प्लस बी की होल क्यूब, इसका हमारा फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये 9th क्लास के चैप्टर 2 में ये फॉर्मूलाज है, अगर आपको याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो a हमारे में 3q है एंड b हमने हमारा 1 है, तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे और सॉल्व करेंगे। सो हमारी वैल्यू आएगी, 3q का आप क्यूब करेंगे तो आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये वैल्यूज आई। सो अब हमें इसको 9m प्लस 1 फॉर्म में लेकर आना है, तो 1 तो हमारे पास है ही अलग, इसमें से 9m कॉमन लेना है, क्या 9 कॉमन आ सकता है इसमें से, यस आ सकता है। अगर इसमें से 9 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यू प्लस 1, अब इसको हम m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1। ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमने 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q को हमने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया। अब 3q प्लस 1 हमने प्रूफ कर दिया कि 9m प्लस 1 फॉर्म में आएगा, अब हमारा क्या रह गया, 3q प्लस 2, सो हम इसको भी हम लेकर चलेंगे 3q प्लस 2। अगर हम राइट हैंड साइड क्यूब करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी क्यूब करना पड़ेगा, जैसे हमने ये पार्ट किया था इसको भी हम ऐसे ही करेंगे।
अभी वैल्यूज आ गई. सो हमें 9m प्लस 8 फॉर्म में लेकर आना है, तो 8 तो हमारे पास आई, इसमें से हम 3 9 कॉमन ले लेंगे. 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये वैल्यूज आ गई हमारी. अब हम इस वैल्यू को m में लेट कर लेंगे तो क्या बचा, 9m प्लस 8. ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमने 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को क्या मान लिया, m मान लिया. अब हमारी जो वैल्यूज है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में आ गई है. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये बताओ, तो हमेशा हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन फॉर्म में देंगे. जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम सॉल्यूशन के एंड में जरूर लिखेंगे. तो एंड में हम लिखेंगे हैंस क्यूब ऑफ कि क्यूब किया एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हमने n लेट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग.